नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा। आज के वीडियो में हम डिटेल में टाइफाइड फीवर के बारे में बात करेंगे और स्पेशली हम बात करेंगे कौन से लैब टेस्ट यानी कि जांचों से टाइफाइड फीवर को कंफर्म करा जाता है। स्पेशली हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसको लेके पब्लिक में बहुत कन्फ्यूजन है। और इसके अलावा हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कौन सी एंटीबायोटिक्स अभी इफ़ेक्टिव है इसके बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि टाइफाइड फीवर का जो बैक्टीरिया है उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। तो हम इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स को आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर किस बैक्टीरिया से कॉज होता है। तो टाइफाइड फीवर कॉज होता है साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी से। तो सबसे हम बात करते हैं टाइफाइड फीवर कैसे फैलता है और क्या इसके मुख्य लक्षण हैं। तो टाइफाइड फीवर फैलने के जो मुख्य कारण है वो है कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर, इसका इंजेशन। और कई बार क्या होता है कि जो खाना बनाने वाले कुक होते हैं ये अपने हाथों को धोते नहीं हैं और बिना हाथ धोए ही अपने खाने को कुक कर देते हैं और खाने को भी ये अंडर कुक्ड छोड़ देते हैं। अब इस अंडर कुक्ड फूड को कंटामिनेटेड फूड के इंजेशन से खाने से लोगों में टाइफाइड फीवर फैल जाता है। और बैक्टीरियल इंजेशन के जो टाइफाइड फीवर का बैक्टीरिया है उसके इंजेक्शन के 7 से 14 दिन बाद पेशेंट में सिम्टम्स यानी कि लक्षण डेवलप होने चालू जाते हैं। और इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो है फीवर, और इसका फीवर भी एक खास टाइप का होता है जिसे स्टेप लैडर फीवर भी कहते हैं। मतलब इस फीवर में क्या होता है कि पेशेंट में जो टेम्परेचर है ये पूरे दिन राइज करता है और मॉर्निंग में ये फीवर कम हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। ये एक पीक एंड ट्रो इस पैटर्न को फॉलो करता है और ये 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जाके ये फीवर प्लेटो हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट में पेट दर्द भी होता है और स्पेशली जो राइट अपर क्वाड्रेंट है पेट का, ये ऊपर की साइड, यहाँ सीवियर कॉलिकी पेन होता है पेशेंट के। इसके अलावा पेशेंट में यहाँ फ्रंटल हेडेक रह सकता है, थकान महसूस करता है, पेशेंट को भूख कम लगती है, सूखी खांसी भी हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम है फर्स्ट वीक के अंदर जो पेशेंट के आते हैं। इसके अलावा पेशेंट में 3 से 5 रोज़ स्पॉट्स डेवलप हो जाते हैं और ये खासकर पेशेंट का जो लोअर चेस्ट है और अपर एब्डोमेन है यहाँ डेवलप हो जाते हैं और ये 3 से 5 दिन में ग्रेजुअली रिजॉल्व भी हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरे हफ्ते में पेशेंट को जो नब्ज़ है पेशेंट की वो स्लो हो जाती है, जैसे कि ब्रैडीकार्डिया भी कहते हैं। इसके अलावा पेशेंट का पेट फूलने लगता है और जो तिल्ली है यानी कि जिसे स्प्लीन कहते हैं, जो इस साइड होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। इसके अलावा तीसरे हफ्ते में पेशेंट में डायरिया डेवलप हो जाता है और इसका जो डायरिया होता है उसे पी सूप डायरिया कहते हैं, जो कि ग्रीनिश कलर का होता है, लिक्विड होता है और फाउल स्मेलिंग होता है। इसके अलावा थर्ड हफ्ते में पेशेंट के अंदर भूख भी बहुत कम हो जाती है या फिर भूख बिल्कुल ही नहीं लगती और पेशेंट का वेट लॉस भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये थे कुछ सिम्टम्स। तो नेक्स्ट हम इन्वेस्टिगेशंस के बारे में बात करते हैं, उन जांचों की जिससे कि टाइफाइड फीवर को डायग्नोस किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विडाल टेस्ट के बारे में। तो विडाल टेस्ट एक बहुत सस्ती इन्वेस्टिगेशन है और आजकल ये गांव-गांव में अवेलेबल है और इससे इजीली टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करा जाता है। तो जो विडाल टेस्ट है वो दो टाइप का होता है, स्लाइड टेस्ट और ट्यूब टेस्ट। तो जो ये ट्यूब टेस्ट है ये मच बेटर है स्लाइड टेस्ट से, और आपको विडाल ट्यूब टेस्ट ही कराना चाहिए टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए। तो विडाल ट्यूब टेस्ट से कब हम पॉजिटिव मानेंगे कि आपके टाइफाइड फीवर है, जब एंटी टीएस टाइटर यानी एंटी एच एंटीबॉडी टाइटर ग्रेटर देन 1/160 हो और एंटी टीओ टाइटर यानी एंटी ओ एंटीबॉडी टाइटर ग्रेटर देन 1/80 हो। तो ये मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए आप विडाल ट्यूब टेस्ट कराएं और एंटी टीएस टाइटर शुड बी ग्रेटर देन 1/160 एंड एंटी टीओ टाइटर इट शुड बी ग्रेटर देन 1/80 फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड फीवर। बाकी विडाल टेस्ट के दो ड्रॉबैक्स भी है। पहला ड्रॉबैक ये है कि विडाल टेस्ट है ये 7 से 10 दिन के बाद ही पॉजिटिव आता है, ये एक थोड़ा नुकसान है इसका। दूसरा इसका ड्रॉबैक ये है कि जो एंडमिक एरिया है टाइफाइड फीवर का, जो एंडमिक एरिया है यानी कि जहाँ टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन है, इन एरियाज़ में जो पब्लिक है उनके अंदर जो एंटी टीएस टाइटर और एंटी टीओ टाइटर ये नेचुरली बढ़ा हुआ रहता है और इन टाइटर्स ये कई बार 1 बाय
1/40 और 1/60 की रेंज में पाए गए हैं, और इसकी वजह से कई बार डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसके अलावा जो दूसरे टेस्ट हैं टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने के लिए, उसमें आता है एक तो ब्लड कल्चर आता है। ब्लड कल्चर एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, और ये टेस्ट पहले वीक में ही पॉजिटिव आ जाता है। और ब्लड कल्चर टेस्ट के लिए 3 से ज़्यादा ब्लड सैंपल्स, लार्ज वॉल्यूम ब्लड सैंपल्स, जिसमें कि 20 ml से ज़्यादा ब्लड लिया जाता है, और इस ब्लड को कल्चर बॉटल्स में डाला जाता है, और टाइफाइड का जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी उसे ग्रो करा जाता है। इसके अलावा बोन मैरो कल्चर, यूरिन कल्चर और स्टूल कल्चर भी टाइफाइड फीवर को डायग्नोस करने में यूज़ करे जाते हैं। लास्ट में हम टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, और टाइफाइड फीवर के पेशेंट को कभी भी लैब इन्वेस्टिगेशन से टाइफाइड फीवर कंफर्म होने तक अपने ट्रीटमेंट को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, और पेशेंट में कई बार इतने टाइम में कई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी डेवलप हो सकते हैं, या फिर ये बिल्कुल फैटल भी हो सकता है। तो जब भी आपके डॉक्टर क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं कि सिम्टम्स एंड साइंस से सस्पेक्ट करते हैं कि आपके टाइफाइड फीवर है, तब और अगर आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर रहे हैं, तो आपको उस ट्रीटमेंट को जल्द ही स्टार्ट कर देना चाहिए, आपको वेट नहीं करनी चाहिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर हम माइल्ड केसेस की बात करें जिनमें कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं हुए हैं, उनमें ओरल एंटीबायोटिक्स को यूज़ करा जाता है, जिसमें कि अजिथ्रोमाइसिन और सिफिक्सिम, ये बहुत कॉमनली यूज्ड है और बहुत इफेक्टिव है टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट। और इसके अलावा फ्लोरोक्विनोन्स, जिसमें कि ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सॉल्ट्स आते हैं, इनको भी कई बार यूज़ करा जाता है। बाकी अगर हम सीवियर केसेस यानी कि कॉम्प्लिकेटेड केसेस की बात करें, तो उन केसेस में आईवी एंटीबायोटिक्स यानी कि आपकी जो खून की नलियां हैं, वेन्स हैं, उसके थ्रू एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और इन एंटीबायोटिक्स में आती है सेफ्ट्रैक्सोन आती है, सिफोटेक्सिम आती है, एस्ट्रियोनैम आती है, इमिपिनिम आती है। ये जो एंटीबायोटिक्स है ये बहुत इफेक्टिव है टाइफाइड फीवर के बैक्टीरिया के अगेंस्ट। इसके अलावा पेशेंट को सिम्टोमेटिक थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि पैरासीटामोल दी जाती है, जो फीवर भी कम करती है, बाकी हेडेक को कम करती है, बदन दर्द में भी अच्छा काम करती है, बाकी पेशेंट को फ्लूइड्स भी खूब दिए जाते हैं, और फ्लूइड्स ओरली पेशेंट ले सकता है, बाकी आईवी रूट से भी दिए जाते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड्स, स्पेशली डेक्सामेथासोन का कॉम्प्लिकेटेड यानी कि सीवियर केसेस में भी बहुत अच्छा रोल पाया गया है, और स्टेरॉइड्स के यूज़ से पेशेंट की जो मोर्टैलिटी जो है वो कम हो जाती है, यानी कि जो मृत्यु दर है उसके चांस कम हो जाते हैं। बाकी फिर भी स्टेरॉइड्स को लेके अभी भी डॉक्टर्स के अंदर डिबेट है, और कई स्टडीज़ में इसमें डिबेट चल रहा है, और कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जिनमें कि पेशेंट की आंत है वो फट गई है, उसमें छेद हो गया है, परफोरेशन हो गया है, इन केसेस में पेशेंट को सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर हम डाइट की बात करें, तो पेशेंट को अपना हाइड्रेशन स्टेटस और इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल ये भी नॉर्मल मेंटेन करने चाहिए, और इसके लिए पेशेंट को लिक्विड्स खूब लेने चाहिए, जैसे कि दाल का पानी, छाछ, कोकोनट वाटर, ये पेशेंट को लेने चाहिए। इसके अलावा पेशेंट सॉफ्ट डाइट जैसे कि दलिया, खिचड़ी, ये भी पेशेंट ले सकता है। इसके अलावा ठीक होने के बाद भी या फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट को अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहना चाहिए, क्योंकि कई बार पेशेंट ये पाया गया है कि पेशेंट को डिस्चार्ज होने के ठीक होने के 3 महीने बाद भी कई बार सीवियर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए हैं। इसलिए आप अपने जो डॉक्टर हैं उनके कॉन्टैक्ट में हमेशा रहिए। और अगर हम प्रिवेंशन की बात करें, तो टाइफाइड फीवर के अगेंस्ट जो वैक्सीन है वो डेवलप हो चुकी है, और जिसे आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लगवा सकते हैं। और अगर आपको किसी ऐसे एरिया में जाना पड़ रहा है जहाँ की टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन है, तब भी आप इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। और वैक्सीन से रिलेटेड एक वीडियो मैं जल्द ही आपसे शेयर करूँगा, और इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपसे शेयर कर दूँगा। तो ये थी कुछ नॉलेज टाइफाइड फीवर से रिलेटेड। बाकी हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।